दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप का 40वां मैच खेला गया और दोस्तों ये मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। और दोस्तों इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों जब अफगानिस्तान की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि दोस्तों 12 रन के स्कोर के अंदर ही उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। वहीं दोस्तों इसके बाद एक तरफ से अफगानिस्तान की विकेटें गिरे जा रहे थे, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ नाजीबुल्ला जाडन काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे। और दोस्तों यही वजह रही कि वो एक तरफ से टिके रहे और अफगानिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे। और इस वजह से अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर खेलने के बाद मात्र 124 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। जहां अफगानिस्तान की तरफ से इस मैच में नाजीबुल्ला जाडन ने 48 गेंदों का सामना करने के बाद 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 73 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों इनके अलावा गुलाबुद्दीन नबीन और मोहम्मद नबी ने 15 और 14 रन बनाए थे। और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 7 रन से ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। और दोस्तों यही वजह रही कि अफगानिस्तान की टीम बस 124 रन बना पाई। जहां दोस्तों इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट झटके थे, तो वहीं टीम सऊदी ने 2 विकेट लिए, तो वहीं एडम मिल, जेमी निशम और इश जोड़ी को एक एक विकेट हाथ लगा था। वहीं दोस्तों अगर न्यूजीलैंड की टीम को अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था तो उन्हें मात्र 125 रन बनाने थे। और जब इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत काफी शानदार रही थी, लेकिन दोस्तों 26 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला झटका मुजीबुर रहमान ने देते हुए डायल मिचेल को आउट कर दिया था। और दोस्तों मिचेल 17 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद राशिद खान ने 57 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका देते हुए मार्टिन गुप्टिल को आउट कर दिया था। और गुप्टिल 28 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान केन विलियमसन और ड्वेन कॉनवे ने इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से काफी संभल कर बैटिंग करी। और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने 15वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों न्यूजीलैंड को इसके बाद आखिरी 5 ओवर में ये मैच जीतने के लिए 24 रन बनाने थे। और दोस्तों इसके बाद केन विलियमसन और ड्वेन कॉनवे ने शानदार तरीके से इस मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से जीत दिलवा दी थी। जहां दोस्तों 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर न्यूजीलैंड की टीम ये मैच बड़े आराम से जीत गई। और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ये मैच जीतते ही अब भारतीय टीम का सपना टूट गया है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम अब सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। जहां दोस्तों इस मैच में कप्तान केन विलियमसन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो वहीं ड्वेन कॉनवे भी 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे।